आगे चलते हैं। ओके गाइस, सो स्टूडियो इस टाइप का दिखता है। अभी वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के लेसन में क्या है और क्या नहीं। सबसे पहले जो भी एरिया में आप टैटू बना रहे हो, जो भी एरिया में आप सेटअप कर रहे हो, वो एरिया को आप पूरे अच्छे से आप उसको कवर करो। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर टाइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका काम है, आपका नाम है और कस्टमर का हेल्थ है, तो आपको ये चीज ध्यान देना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग पावर सप्लाई को यहाँ रखेंगे। पावर सप्लाई भी कवर होगा क्योंकि जो भी लाइक डस्ट है और जो भी लाइक आप टाटू बनाते रहोगे और आप लाइक मशीन को छुओगे तो जो भी ब्लड पार्टिकल्स है वो मशीन में लग जाएंगे, तो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा अपना टाटू मशीन को अच्छे से। आपके हर एक चीज को आपको कवर करके प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी सामान वामान जो भी है आपको कम से कम सामान रखना है, जो भी आपका जो स्टेशन है, जो आपका सेटअप है, आपको जो सामान चाहिए होगा आपको सिर्फ वो ही रखना है और कुछ नहीं। स्टार्ट करते हैं। मैं पेपर प्लेट्स यूज करता हूं इंक कैप्स और इंक रखने के लिए और टिश्यूज रखने के लिए। जो फुट पेडल है हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई में। आप यहां पे देख पाओगे आप फुट लिखा होगा, आपको वही कनेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग आरसीए जो कॉर्ड है उसको कनेक्ट करेंगे। ये जैक इस साइड से आपको कनेक्ट करना है। यहां पे लाइनर लिखा रहेगा, आपको लाइनिंग करना है तो आप लाइनर में जैक करोगे। आपको अगर शेडिंग करना है तो आप शेडिंग में करोगे और इसको आप डाउन करोगे। एक स्विच रहता है तो लाइनिंग के लिए आपको एल में ये ऊपर स्विच एल में करना पड़ेगा। एक स्विच रहेगा यहाँ पे और आपको ये लाइनर में जैक करना पड़ेगा। अभी आप अपना जो भी लाइक टिश्यूज इंक कैप्स और जो भी है आप यहां पे आप रख सकते हो। ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई यूज वैसलीन, मेरे को वैसलीन पसंद है यूज करना। ये लॉक्स 2% स्टेंसिल लगाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टेंसिल कैसा लगाते हैं हम लोग वो देखेंगे। ओके, तो मेरा सेटअप कुछ इस टाइप का दिखता है, तो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। ओके गाइस, सो थैंक्स अ लॉट मेरा वीडियो देखने के लिए। इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। रेगुलर आते रहेंगे तो प्लीज सपोर्ट करो गाइस। सो अभी के लिए इट्स बाय, सायोनारा गाइस।